अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये वीडियो और इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश इस वीडियो के ज़रिए मैं करने वाला हूँ। 4 से 5 पॉइंट को मैं वजाहत करने वाला हूँ जो कि फ़िलहाल में चल रही है, और उसको लेकर तमाम जो है बच्चे, जो तमाम जो स्टूडेंट्स है, जो डीएड, बीएड, एमएड वगैरह के जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज है पवित्र पोर्टल के सेल्फ सर्टिफिकेशन का मामला हो, और इसके अलावा जो 4-5 पॉइंट्स है, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कंप्लीट जो है वीडियो देखें, और जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे उसके आगे ये पहुंचाने की, उर्दू मीडियम तक पहुंचाने की या किसी भी मीडियम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। ये वीडियो डीएड, बीएड, जो एमएड जो है, जिनके हो चुके हैं, जो सीटेट पास है वगैरह वगैरह, जो अगली शिक्षक भर्ती, महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती का इंतजार में, और जो कंफ्यूज में है अभी कि चल क्या रहा है असल में, तो उसकी वजाहत में करने की कोशिश करूंगा। और कुछ चीजें मैं ऐसी बोलूंगा जो आपको तल्ख लगे, जो आपको गवारा ना हो, बुरा लगे, तो वो लगने दो, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैंने पवित्र पोर्टल के सिस्टम को इसके पहले एकदम सखोल जो है, जिसका विश्लेषण बोलेंगे हम, एकदम डीप एनालिसिस के साथ मैंने उसको बहुत ही ज्यादा गहरे तजिए के साथ मैंने आपको बताया हो। अब मसला यह है अपना कि अपने को समझने के, किताबी कीड़े बनने की आदत हम लोग को ज्यादा हो गई, तो हमको एक्चुअल में चल रहा है कि अपने फील्ड के अंदर तो हर बात को लेके डिप्रेस्ड होना और कंफ्यूज होना। इसलिए मैं आज का थोड़ा लेंथी वीडियो होगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करें। अगर डीएड बीएड एस्पायरेंट्स तक पहुंच गया तो ठीक है, और किसी टीचर हजरात तक या कोई ऐसे है जिनके आपस में जो है डीएड बीएड के पहचान वाले हैं, उन तक जो है उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिनको भी ये हिंदी लैंग्वेज समझती हो, उन तमाम के लिए ये वीडियो मेरा पहला पॉइंट है। पवित्र पोर्टल का सेल्फ सर्टिफिकेशन शुरू है और 17 जुलाई आज उसकी जो है लास्ट डेट है, यानी कि आखिरी उसकी तारीख है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताता चलूं आपको कि मैंने इससे पहले भी पवित्र पोर्टल के सिस्टम को बताया था, इसमें दो चीजें हैं, एक तो होती है विद इंटरव्यू की भर्ती और दूसरी होती है विदाउट इंटरव्यू की भर्ती। मैंने बता दिया था कि विदाउट इंटरव्यू मतलब क्या, ओनली ऑन बेस्ड, जिसको बोलेंगे ओनली बेस्ड ऑन जो है मेरिट, यानी कि आपके टैट के मार्क के बेस पर। पहली से पांचवी के लिए पहला पेपर उसमें लगता है सीटेट या टीईटी कंपलसरी होता है, और वो टैट देना होता है उनको, और वो 1 से 5 पर उनका डीएड वालों का सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पे। अब ये जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, या 100%, 20%, 60% अनुदानित या कोई संस्था हो, विदाउट इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं। 6 से 8 पर आपको सीटेट 2 या टीईटी 2 होना कंपलसरी है। ये सरपटक पटक के चीख कर, गला फाड़कर मैंने 1000 बार बताया हो, फिर भी आज वही सवाल आ रहे जो पवित्र पोर्टल के सेल्फ सर्टिफिकेशन में स्पेशली उर्दू मीडियम वालों ने तो हद ही कर दिए। तो ये चीज होती है 6 से 8 पर भी विदाउट इंटरव्यू में आपका टेट के मार्क पर टीईटी या सीटीटी उसको होना जरूरी होता है पोर्टल में ऐड करने के लिए, और उसी के बेस पे आप टेट दे सकते हैं। प्लस 6 से 8 देने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस डीएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। पहली से पांचवी के लिए पहला पेपर कंपलसरी है, दूसरी से पांचवी के लिए दूसरा पेपर सीटीटी या टीईटी का कंपलसरी है। ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, अभी भी कर रहा हूं। दोनों देने के लिए दोनों पेपर कंपलसरी है, और सिर्फ 1 से 5 के लिए डीएड कंपलसरी है, और 1 से 8 देने के लिए आपको डीएड प्लस ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप सिर्फ बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएड है और डीएड नहीं है तो आप 6 से 8 का पेपर दे सकते हैं ओनली। 1 से 5 के लिए आपको ब्रिज कोर्स का भी जो भी मसला चल रहा है वो छोड़ दो, वो आने के बाद आपका समझेगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे खासकर जो है जो वैकेंसी आती है वो गवर्नमेंट में कम और संस्थाओं में ज्यादा आती है, उसमें 100% वगैरह वगैरह होती है, उसमें भी नॉन इंटरव्यू, एक विदाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू होते हैं। जो विदाउट इंटरव्यू होते हैं संस्थाओं पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे, वो सिर्फ बगैर टीईटी के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे टीईटी की जरूरत नहीं होती है, बगैर टीईटी के वो सिलेक्ट हो चुके हैं पवित्र पोर्टल में। 9, 10, 11, 12 पे विदाउट इंटरव्यू वालों की बात कर रहा हूं मैं, वो हो चुके। अब बचे विद इंटरव्यू 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, और इतना हजार लाख बार बोलने के बाद भी अपने बच्चे पूछते कि 9, 10, 11, 12 पे टीईटी सीटीटी लगती क्या? अरे यार, अपन कौम के मेमार बन रहे, अपन कौम के मुस्तकबिल को संवारने वाले बन रहे, टीचर बन रहे, डीएड, बीएड, एमएड क्या नहीं करके बैठ गए अपने बच्चे,
उनको कुछ भी नहीं समझ रहा उसमें का। अरे पहली प्राइमरी टीईटी सीटीईटी ओनली फॉर प्राइमरी, अभी तक नई जो शिक्षा नीति आएंगी उसमें क्या होगा आगे वो देखेंगे। वही सवाल अब जब वो जो बच्चों को बनाएंगे तो जब कैसा हल होगा फिर क्या मालूम। बेस जो रहता बहुत पक्का होना जरूरी है फील्ड नॉलेज का, तो ये बातें कड़वी लगेंगी तुमको, लगने दो। तो अब ये विदाउट इंटरव्यू विद इंटरव्यू वाले जो थे 2017 के मराठी मीडियम के, क्योंकि उर्दू मीडियम में तो 9 10 11 12 की जगह आई नहीं थी, 1 से 8 के 100% जितने मिले उतने सिलेक्शन हो गए, जो जगह बची है वो बचे भी है। अब उसका क्या होगा, वो क्या रहती है, वो बची हुई जगह का क्या होगा, वो अपन को ये ज्योतिष तो है नहीं, तो वो अभी वहां पर जो है आगे के प्रोसेस में जब भी आएंगी वो जगह आ जाएंगी। तुम अपनी तैयारी में रहो, अपने को सिर्फ एग्जाम देने से मतलब है। पहली से पांचवीं, छठी से आठवीं टीईटी सीटीईटी कंपलसरी रहती, मैं गला फाड़ फाड़ कर हमेशा बोला हूं। अब ये जो बात है, अब ये विद इंटरव्यू जो थे बेचारे जो अटक गए थे 2017 से 18 के 19 की बात से, तो उनको जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए आया। अब जो पवित्र पोर्टल है ये वन ऑफ द बोलेंगे बिगेस्ट लूज पोर्टल है मेरी नजर में, ये सबसे बड़ा एक मैं बोलूंगा इसको एक ढ टाइप का जो पोर्टल मेरी नजर में है ये, क्योंकि ये 5-5 साल जो है इसका सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन चालू है। उर्दू मीडियम वाले किस्मत है इनके 2 राउंड हो गए मराठी मीडियम विद इंटरव्यू के, जिनके 130 135 132 140 मार्क थी ये उनके चालू है सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब ये सेल्फ सर्टिफाइड करेंगे 9th 10th 11th वाले विद इंटरव्यू पे, फिर उनको 10 संस्थाएं आएंगी अगस्त में, उनकी लिस्ट XYZ लगने वाली है ऐसा मैंने सुना हूं। वो लगेंगी, वो एक बच्चा जो है 10 संस्था के लिए एलिजिबल होगा और उसके टेट के मार्क का वहां कोई मायने नहीं रहेगा। 30 मार्क जो है वहां इंटरव्यू संस्था वालों के होंगे, जिसमें वो डेमो लेसन और इंटरव्यू लेंगे, और 30 में से जिसको भी ज्यादा मार्क आते हैं टैट के मार्क यहां मायने नहीं रखेंगे। ये इसमें सबसे बड़ी खराबी है, वो क्योंकि ये विद इंटरव्यू है संस्थाओं का, विदाउट इंटरव्यू संस्थाओं ने ले लिए टैट के मार्क पर, अब ये विद इंटरव्यू पे ये है सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब इसमें उर्दू मीडियम वालों का वही आके 100 बार कंफ्यूज होना कि नई भर्ती चालू हुई क्या। अरे यार, एक जो न्यूज़पेपर रहता है, सोशल मीडिया रहती है, इसमें जो न्यूज आती है पवित्र पोर्टल के बारे में क्या चल रहा वो डेली हंट पे हमेशा आते रहता, वो पढ़ के भी अपने को नहीं समझ रहा। मतलब अपन कैसे टीचर बनेंगे यार, BEd, BEd, MEd क्या क्या अपने बच्चों ने ग्रुप पर देखा, मैंने करके बैठ गए, मैंने तो पूरे टोटली ग्रुप लेफ्ट ही कर दिया वो। लेकिन पता है मुझे उर्दू मीडियम वाले खाली कागजी डिग्रियां बढ़ाने में लोगों मत, फील्ड नॉलेज को समझो। अब ये जो है ये सेल्फ सर्टिफिकेशन उनका चालू है, अब वो आगे प्रोसेस, ये बहुत बोगस पोर्टल है मेरी नजर में पवित्र पोर्टल। कितना भी ऑनलाइन शिक्षक भर्ती हुई होंगी लेकिन इसके कोई मायने नहीं है अगर वो 5 साल तक सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन चलाता होगा तो। तो ये है जो पवित्र पोर्टल में सर रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, क्या वहां क्या करना पड़ता, वो साइट देखने के, अरे कुछ भी करो मत, कोई जरूरत नहीं है। जब नई भर्ती अनाउंस होती है तो वो पवित्र पोर्टल के थ्रू होती है, ऐसा गवर्नमेंट का GR है। संस्थाएं अगले बारी से होंगी नहीं होंगी, अपने क्या करने का, अपने को जिला परिषद नगर पालिका महानगर पालिका मिल गए बस हो गया। उसमें जो वो 50 बार वो उसके अंदर जाके डिप्रेशन में जाने का, नई भर्ती चालू हुई क्या वो क्या रहता है, इसमें क्या रहता, उसकी साइट क्या है, अरे काई को देख रहे, कोई भी जरूरत नहीं है। नई जब भर्ती चालू होगी, जब CTET TET ऐड करके पूरा फॉर्म भर के अपने को टेट के फॉर्म भरने का चांस दिया जाएगा, उसके बाद में टेट का इम्तिहान होगा, बाद में 3 मार हो कितने मारने के। तो क्योंकि उर्दू मीडियम के अगर अभी ये खुशफहमी में होंगे कि जगह बहुत ज्यादा रहती, बच्चे बहुत कम है, तो अगर 1500 भी जगह आई, 1000 आएंगी, 1500 तो नहीं आती, 1500 भी आएंगी, तो उसमें नियर अबाउट 1 से 5 की ही भर्ती, गवर्नमेंट अक्सर 1 से 5 की ही भर्ती थी, मैं उर्दू मीडियम की बात कर रहा, हर मीडियम में गवर्नमेंट की जो संस्थाएं रहती जिला परिषद नगर पालिका मनपाते 1 से 5 ही, क्योंकि 6 से 8 पे प्रमोशन होते रहते, वो इसलिए ज्यादा आएंगी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फिलहाल में प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों हो चुके हैं ऑन ड्यूटी वालों के। तो जो 1 से 5 वाले 6 से 8 पे प्रमोशन लेके गए वो जगह खाली हुई, और जो ट्रांसफर करके गए वो जगह खाली हुई। अपने को इतना भी ज्ञान नहीं बोली बात, बहुत अजीब बात है ये। अब ये जब जाएंगे तो 1500 भी जगह आएंगी, तो उसमें नियर अबाउट 1200 या 1100-1100 जो है 1 से 5 की रहेंगी, 6 से 8 में भी मुझे लगता साइंस की रहेंगी, या फिर साइंस की रहेंगी, आर्ट्स का जो है भाषा और समाजशास्त्र 6 से 8 पे इसकी वैकेंसी का, तो मुझे अभी भी डामाडोल लग रहा है, लेकिन अल्लाह करेगा आ जाए। 1000 की आई तो 800-100 जो जगह है वो एक पहली से पांचवी पर ही आएंगी, यानी CTET या TET 1+ DEd वालों के लिए।
6 से 8 की वैकेंसी अक्सर आती ही नहीं है ज्यादा, और 9, 10, 11, 12 का अपना कोई उतना वजूद नहीं है। नॉन टीईटी जो 9, 10, 11, 12 पे लगता है वो, क्योंकि हमारे यवतमाल जिला में है जिला परिषद की 6 स्कूल है 9-10 की। अदरवाइज दूसरे तरफ कहीं तो भी अमरावती में है, अपने विदर्भा में है, हमारे विदर्भा में तो विदर्भा में है। अब सब विदर्भा से नहीं होंगे ना सुनने वाले, इसलिए तो विदर्भा में है उर्दू मीडियम 9-10, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी वैकेंसी अभी भी समझो अगर 1000 आई भी टोटल, तो 9वीं 10वीं 11वीं पे साइंस की वैकेंसी आएंगी और इंग्लिश की वैकेंसी आएंगी। 11, 12 पे आई अगर बहुत ही ज्यादा एकदम ज्यादा तो 4-5 वो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश वगैरह की आएंगी, अदरवाइज तो कोई वजूद उसका नहीं है। तो 1 से 8 की ही भर्ती मेन रही थी उर्दू मीडियम में, आ गई तो बहुत अच्छी बात, तो सब तैयार उसके लिए रहो। ये था सेल्फ सर्टिफिकेशन का मामला, उसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत फिलहाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। दो नंबर के पॉइंट में अपना है कि जो न्यू शिक्षक भर्ती है इसके कहां तक चांसेस है। पहली बात, सरकार बदल गई, इसको निगेटिव बात समझो या कुछ भी समझो, सरकार बदल गई। यहां ऐसा है अपने महाराष्ट्र की राजनीति में, पूरी दुनिया की फिक्र है, लेकिन जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और उसकी वो काबिलियत रखते, इनकी फिक्र किसी को भी नहीं है, ये हकीकत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। तो फिलहाल गवर्नमेंट चेंज हुई, शिक्षण मंत्री, मंत्रिमंडल कब बनेगा, शिक्षण मंत्री कैसा होगा, शिक्षण मंत्री के क्या रुझानात रहेंगे, मुख्यमंत्री साहब को क्या बोलते हैं। फिलहाल मराठी मीडियम वालों की ये पूरी पहल चालू है कि मुख्यमंत्री जो मोहतरम जनाब एकनाथ शिंदे साहब है, इनसे जाकर फेस टू फेस मिले, ऐसी चालू है शिक्षक भर्ती नई लेने के लिए। तो ये जो है, और जो ये कमिश्नर ऑफ एजुकेशन होते हैं, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं जो शिक्षण मंत्रालय बोलता है, ये डायरेक्ट भर्ती नहीं ले सकते, इसलिए ये भी मजबूर होते हैं IAS ऑफिसर जो होते हैं, ये कमिश्नर ऑफ एजुकेशन। तो ये चीजें है, कब मंत्रिमंडल बनेगा, शिक्षण मंत्री कौन बनेगा और वो कितना पॉजिटिव रहेगा शिक्षक भर्ती को लेके, क्योंकि शिक्षण विभाग में एक मसला नहीं होता है, ऑन ड्यूटी के गवर्नमेंट टीचर्स का अलग मसला, ऑन ड्यूटी के प्राइवेट टीचर्स का अलग मसला, अनुदानित बिना अनुदानित का मसला, टुकड़ियों का मसला वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बाद अगर सब सोचे तो फिलहाल 20 से 25 हजार वैकेंसीज खाली है बोलते शिक्षक की महाराष्ट्र में ऑल मीडियम, तो कोई लेने को तैयार नहीं है, किसका माइंडसेट तैयार नहीं, लेकिन फिर भी नई गवर्नमेंट आई मंत्रिमंडल बनने के बाद, ये मे भी इस साल हो सकती है, मैंने मे भी बोला, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जब चली जाती है तो उनके जो उसूल और उनकी चीजें और उनके इसको ये ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करती, ये उसूल है राजनीति के, उनके जो फंडों का। तो MPSC वाले भी परेशान हैं, क्लास 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, हम लोग 3 में आते, सबके सब परेशान है कि भर्तियां कब होंगी, मेगा भर्तियां कब होंगी, ऑनलाइन का झमेला कब बंद होगा। महापरीक्षा पोर्टल ये सबसे बड़ा फेल पोर्टल साबित हुआ था, तो ऑनलाइन कोई भी अगर इसकी अगर कसीदे पड़ेगा कि ऑनलाइन जो पेपर होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं पवित्र पोर्टल को इसलिए भी मैंने, मुझे इस चीज की कमाल लगी कि 5-5, 4-4 करोड़ फॉर्म को RRB का जो है पोर्टल एक्सेप्ट करके उनके हॉल टिकट्स निकाल के उनके एग्जाम ले लेता, भले ही रिजल्ट 10-10 साल बाद लगाता होगा वो, तो ये इसको क्या हुआ। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन अभी 5वां साल लग गया, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन ही चालू है, उनको उनकी नफ्सियात को समझो, जिनको मैंने देखा हूं जो सेल्फ सर्टिफिकेशन में अभी परेशान है, आज की आखिरी तारीख है, जो उर्दू मीडियम 9, 10, 11, 12 पे जो थे होंगे संस्थाओं के लिए एलिजिबल थे होंगे वो कर लो, अगर कोई संस्था होंगी आए होंगी उनको वहां पर, तो पहले अब तो सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है क्योंकि पवित्र पोर्टल की साइट चेंज हुई बोलते, तो वो लोड उस पे जा रहा है, तो नई शिक्षक भर्ती की ये हालत है। तीसरे नंबर का पॉइंट है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई जो महानगर पालिका है, इसकी एक एडवर्टाइजमेंट आती है उसको लेके बच्चे जो है उर्दू मीडियम के, एक आम जबान में उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, एकदम झट से उसको कोई भी चीज की कोई गहराई तक ना जाके उसको ऊपरी तौर पे समझ लेना, तो BMC की एडवर्टाइजमेंट को देखे, उसमें पढ़ते उनको कईयों को आए नहीं, वहां मानदन तत्व कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पवित्र पोर्टलच्या शिक्षक भरतीला विलंब होत असल्याने ही कंत्राटी पद्धतीने आम्ही शिक्षक भरती 2023-24, 22-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी करत आहोत, और वहां पर दिए हुआ है कि प्राइमरी के
टीचर तुम लगेंगे तो 150-200 रुपए पर पीरियड, हाई स्कूल के लगेंगे तो 250 कुछ समथिंग। वहां पे बोले मानधन का उल्लेख ही नहीं है, वहां मानधन ही नहीं समझ रहा, मराठी समझने को अपने को तैयारी नहीं है, और अपन बनने जा रहे फ्यूचर के टीचर। ये बातें कड़वी लगेंगी लेकिन यही चस्तियत है। तो वो है मानधन तत्व। अब ऐसा है किसी का ख्याल, किसी ने ऑन ड्यूटी टीचर ने बीएमसी के बोला, बोलते कि भाई किसी को के बोले ये जो आप कॉन्ट्राटी लेंगे हो सकता है इन्हीं को परमानेंट करते। तो भाई ये ख्यालों में, ये गुमानों में, ये दौर में रोइच मत, बिल्कुल भी रो मत। ये चीजें चली गई, वो गए, वो पुराने दिन जो थे जिसमें ऐसा होता था, जो तो दावे करते थे कोर्ट में जाते थे, वो परमानेंट भी हो गए। ये पंजाब नहीं है, ये महाराष्ट्र है। पंजाब में जिस तरीके से 20 साल से जो 30 साल से कर रहे थे उनको परमानेंट कर दिए 20 साल से। तुम क्या 6 महीने में तुमको परमानेंट करेंगे क्या? तुम्हारी साइन लेते, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, वो हमसे 4 कदम आगे रहेगी। तुम्हारी साइन कि मुझे ये पूरी शर्तें मंजूर है, मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूंगा। वो बोलने वाले ने कैसा बोले होंगे, बोलने वालों ने, ये भी मुझे कमाल लग रही है अपने वालों को बोले बोलते। ऐसा नहीं रहता, वो उनकी सोच है। और ऑन ड्यूटी शिक्षक जो रहते हैं जनरली उनको इसकी, ये जो भर्तियों की जो है जनरली मालूमात नहीं रहती, ये बोल रहा हूं मैं। तो परमानेंट नहीं होते भाई, ये खाबों में रहो मत। हाँ, 20-22 हजार बीएमसी प्राइमरी टीचर को पेमेंट देता और शायद 25-26 हजार इसको देता हाई स्कूल को। तो करो, इसमें मैं बिल्कुल बोलूंगा ये चीज करो तुम। बीएमसी की एडवर्टाइजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और वो तुमको पीरियड वाइज पैसे देते जिसकी 21-22 हजार पेमेंट बनती। सीटीईटी और टीईटी के बेस्ड पे सिलेक्शन करते, उसके मार्क देखते, जिसको ज्यादा सीटीईटी में टीईटी में रहेंगे उसका सिलेक्शन होता है। कास्ट वाइज जगह आती है, वो सब तुम वहां पे देख लो। लेकिन इतनी मेरी बात जहन में रखो कि एक टीचर बन रहे तो कोई भी चीज, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी बात, कोई भी जो अपने काम की चीज है फील्ड की, डीएड बीएड एमएड से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो उसको समझने की कोशिश करो यार। हर चीज उर्दू में ट्रांसलेट करके बताना जरूरी थोड़ी है। जब ड्यूटी पे आएंगे तो जब पूरा खाली पढ़ाना ही उर्दू में, पूरा ऑफिस वर्क, पूरा हर चीज, पूरी पूरी जो लाइफ है वो मराठी में ही करना पड़ती है, स्टेट लैंग्वेज में। अब तुम वो वही चीजें लेके बैठेंगे बार बार कि हमको ये नहीं समझता, वो नहीं समझता, तो ये बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात है मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बहुत बड़ा तीर मारने वाला इंसान हूं। मुझे सोने वाले अलग है और सोने का नाटक करने वाले अलग रहते हैं, ऐसा रहता है ना, वो वैसे है अपने उर्दू मीडियम की हालत। तो ये है बीएमसी की एडवर्टाइजमेंट की असलियत। नगर परिषद उमरखेड़, ये वर्तमान जिला हमारे जिले यानी मेरे गांव से करीब, उमरखेड़ तालुका है नगर परिषद, उसमें आई है वैकेंसी। वो नहीं है प्राइमरी के लिए, वो अक्सर निकालता है हाई स्कूल के लिए, मैंने जा तक देखा हुआ बीएड के लिए। तो वो भी सेम ऐसे ही दे रहा है 150 या 200 रुपए पर पीरियड, यानी नियर अबाउट वो 17-18 हजार 16 हजार बन जाती है। तो वो यवतमाल में है, जो यवतमाल के मेरा ये वीडियो देख रहे जिले के, वो कर सकते हैं बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड, एमए एमएड, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री वगैरह वगैरह, एमएससी वाले, वो सब वहाँ कर सकते हैं अप्लाई। आपको मानधन बेसिस पे 6 महीने के लिए लिया जाता करार पद्धत पे, या 10 महीने के लिए लिया जाता। इस खुशफहमी में, इस ख्वाब में रहो मत कि तुम वहां कॉन्ट्राटी करेंगे, तुमको परमानेंट करेंगी। वो दिन गए, गेले थे दिवस और रहे थे आठवनी, ऐसा हो गया वो बात का। पुराने दौर में आपने पूर्वज जो लगे थे कंत्राटी करे और लग गए, ये वो जमाना नहीं है, मेरी इस बात को समझो। ये है नगर परिषद उमरखेड़ यवतमाल जिले में। यवतमाल जिले शहर का लास्ट जो शहर है, तालुका है, वो उमरखेड़ है, नांदेड़ से करीब आता है। करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, करार पद्धत पे, मानधन तत्व पे है। ये खावा छोड़ दो, तुमने बीएमसी में भी करे तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल करो, क्योंकि ये इनकम आएगी तुमको, तुम वहां पढ़ाएंगे भी और तुम्हारी पढ़ाई भी टाइट की होंगी, ये बात ध्यान में रखना। कुछ भी नहीं है, टीचिंग फील्ड में पढ़ाई बहुत होती है। उसके बाद में आ जाओ सीटीईटी 2022 जो है दिसंबर में होने वाली है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं सीटीईटी के वेबसाइट पे देखा हूं, आ चुकी है उसकी नोटिफिकेशन। अब सीटीईटी जो है टीईटी से बेहतर है अगर उसको क्रैक करना चाहते हैं। अब मैंने पहले ही बोला, अगर वैकेंसी 1000 आई तो बच्चे उर्दू मीडियम के 3000 रहेंगे इस बारी में मेरे अंदाज से। तो यानी 100+ कास्ट वाला भी रहेगा, ओपन वाला भी रहेगा, कुछ भी 100+ 120+ 150 तक जाने के डैट में टारगेट रखो। सिर्फ अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने दो, शिक्षण मंत्री कौन बनता वो देखने दो, और वो जो अभी मराठी मीडियम वाले जो फिलहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस हो गया तो शिक्षक भर्ती हो जाएगी इंशाल्लाह 2022 तक।
तो ये चीजें थी जो मैं बताने की कोशिश किया सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेके। इतना भी कंफ्यूज मत हो। और आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ चीजें जो रही थी तल्ख रही थी बोलने को, लेकिन वो बोलना जरूरी रही थी क्योंकि हमारी फहम उतनी पक्की होनी चाहिए। चाहे तुम डीएड कर लो, पीएचडी कर लो, या फिर तुम ऑन ड्यूटी रहो, इसको कोई अहमियत नहीं है कि तुम एक टीचर है, तुमको कोई चीज फहम तुम्हारे अंदर ही नहीं रहेंगी। स्पेशली मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं तो अपने को अपने भर्ती की मालूमात नहीं है, तो अपन अपने न्यू जनरेशन को यूपीएससी की, एमपीएससी की या कोई चीज की मालूमात कैसा दे सकेंगे? आप तुम अंदाजा लगाओ। ये नियम रहते अपने बच्चों को एज तक मालूम नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम एज। मिनिमम एज रही थी 18 और मैक्सिमम एज रही थी ओपन के लिए 38, किसी भी महाराष्ट्र के भर्ती के लिए, महाराष्ट्र के किसी भी भर्ती के लिए 18 से 38 होती है। और कास्ट वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, 43 होती है बस। और महिलाओं को आरक्षण होता है, महिला का आरक्षण अलग होता है, वो तहसील से उसका सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, वो होता है 30% लेडीज रिजर्वेशन स्पेशल होता है उनको। यानी कि 100 जगह आई तो 30 महिला की होती है, लेकिन वो 30 महिला की मतलब ऑल कास्ट में डिवाइड होती है। मिसाल के तौर पे आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा, कोई महिला अगर ओपन में है तो वो ओपन में से अगर महिला है तो वो 30% में वो बैठेंगी, प्योर ओपन में नहीं बैठेंगी। अब वो 30% में 3 जगह, 10 ओपन की आई तो 3 महिला की रहेंगी, तो उसको 3 से कॉम्पीट करना पड़ेगा, ना कि इधर 10 से। ये होता है, ये चीजें बेसिक मालूम ही नहीं। ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएससी मालूम नहीं, उसकी जो क्राइटेरिया है, उसका जो 8 लाख का जो इनकम सर्टिफिकेट का है, वो किसी को मालूम ही नहीं। ऐसा कैसा चलेगा यार? आगे फ्यूचर में टीचर बन रहे तो बच्चों का अपन भविष्य उज्ज्वल कैसा कर सकते? और आज का वीडियो कैसा लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगे तो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चारों तरफ ये शेयर करो। फिलहाल यही चल रहा है महाराष्ट्र में जो सेल्फ सर्टिफिकेशन के मसले, नई शिक्षक भर्ती के हिसाब से क्या रुझान आते हैं, सीटीईटी 2022 का भी बोला मैंने, बीएमसी की एडवर्टाइजमेंट क्या है बोला, नगर पालिका उमरखेड़ में क्या है वो भी बता दिया। और इसके लिए क्वालिफिकेशन वही लगता, तुम जो बीएमसी में जा रहे तो वहाँ CTET 1 CTET 2 लगता, ऊपर जो है बीए बीएड एमए बीएड बीएससी बीएड एमएससी बीएड एमकॉम बीएड बीकॉम बीएड ऐसी चीजें लगती ऊपर। बार बार वही सवाल, 100 बार अपने लोगों अपने बच्चों को वही सवाल, CTET लगती क्या, ये लगती क्या, अरे 11वीं 12वीं पे काई को लगेंगे बाबा। और तुम नवोदय विद्यालय का तो छोड़ दो, अपने बच्चों को तो मुझे घुमानी नहीं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय, 100 में से 1 रहता हूँ जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तैयारी करता हूंगा। तो ये बात जहन में रखो, जब अपने को अपने शिक्षक भर्ती की मालूमात नहीं ना, तो वहां सर वो नवोदय में उर्दू चलता गया, केंद्रीय विद्यालय में अरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां स्पेशल वहां टिप लिखी हुई रही थी कि वो इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने का एबल हो, उसका कौन सा भी मीडियम हो, पूरे भारत से वो 22 लैंग्वेज जो है अपने संविधान की, कोई भी मीडियम में होने, एक ही चीज यार, पढ़ते ही नहीं अपने बच्चे, इंग्लिश में रहोगे मराठी में रहो। तो जरूर सब्सक्राइब करो, किसी भी मीडियम वाले तक शेयर करो, कोई कुछ बातें अगर बुरी लगी होंगी तो उसको भी माफ करो, चलते रहता, लेकिन ये बात सच्ची है जो मैंने बताया हूं कि अपने बच्चों में वो क्यूरियोसिटी नहीं है जो एक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाली को उसके मालूमात से रिलेटेड होनी चाहिए। तो हम दूसरों को क्या दे सकेंगे, ये भी एक मसला है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।